किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें बुलाते हैं। माता, ये उनकी आवाज नहीं, कोई राक्षस मैदान खाली कराने के लिए हमें धोखा दे रहा है। नहीं नहीं, शीघ्र जाओ, देखो तो उन पर क्या
संकट, उन पर संकट का क्या काम, जिनकी प्रकृति के एक इशारे से संसार संकट से छूट सकता है और सारे जगत पर संकट का पहाड़ टूट सकता है, भला उन्हें संकट किस तरह छू सकता है। अरे तू ये क्या कह रहा है भाई, को आपत्ति में सुनकर तेरा कलेजा कंपायमा नहीं होता? ऐसे समय में भी उनकी रक्षा का ध्यान नहीं होता? उनकी रक्षा का ध्यान करूं? करे रक्षा गडरिये की, नहीं ये काम बकरी का। रक्षा करूं मैं उनकी जो रक्षक है त्रिलोकी का। भाई लक्ष्मण शीघ्र आओ, सीते मार डाला। आपको मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित वह अंधकार कब आएगा? अच्छा माता, दुख आ भी गया तो क्या कर दिखलाएगा? श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। भाई की तरफ से मुझे हर तरह से इत्मीनान है, आप चिंता ना करें, भैया अभी ब्रिक मार कर लाते ही होंगे। अरे वह तो सहायता के लिए बुलाते हैं, और आप हैं कि ना उठते हैं और ना जाते हैं। भैया जी की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेला छोड़ जा नहीं सकता। ये बन विशाल, ये विकट विराल, वह चारों ओर अंधेरा है, आपको अकेला छोड़ जाऊं मैं कर्तव्य नहीं ये मेरा है। जा नहीं सकती, हम जाना नहीं चाहते। क्या कहा माते? क्या बताऊं, किधर जाऊं? उन्हें मस्तिष्क मेरे की बिंदिया को कोई मिटाना चाहता है, मिटाना मांग मेरी का सिंदूर कोई चाहता है। समझ भाई, जिसे स्वामी सहायता के लिए बुलाते हैं, इधर ये नीलज भाई खड़ा बातें बनाता है। तुम्हारे मस्तक की बिंदिया मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारे मां की रोली मुझा ईश्वर नहीं सकता। तुम्हारा है जो जीवन तन, ब्रह्मा उसे हर नहीं सकता। मेरे भाई का पानी बांका कोई कर नहीं सकता। मुझे ये शब्द उनके नहीं जान पड़ते हैं। मक्कार बहाने क्यों करता है? मक्कार प्रभु मुझे के रूप रूप कोई ऐसे लोग पानी कह नहीं सकता, जो देखता है जीवित रह नहीं सकता। निकालो तलवार, कह दो मेरे कलेजे के आर पार। हमने कहा है तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असल रूप को पहचान लिया है, तुम्हारे भीतर की काली मां को जान लिया है। कौन सा अपराध किया है माता, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अब मैंने तुम्हें जान लिया है, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम बन साथ जो आए कुछ मतलब हो तुम्हारा है। इस दुनिया के खुदगर्जों में खोए ना अपना जीवन कोई, भाई से जग में मीत नहीं और भाई से नहीं दुश्मन कोई। माता ये मिथ्या आरोप है, कामदेव भी स्वप्न में मेरे मन को टिका सकता नहीं, कोई अशुभ ज्ञान मेरे मन में आ सकता नहीं। आंखें ना फट जाए जो हाँ बदगुमान की, फट जाए सर मेरा जो जगह बने नीच ज्ञान की। सौगंध है पीर को धनुष और बाण की, कसरत है मुझको राम सुमित्रा है जान की। कोई पाप हो जो कोट जोए रोम रोम से, वंचित रहे जुबा और जीवन रोम रोम से। ये सब कपट की बातें हैं, कपट की बातें हैं। यदि ये कपट की बातें हैं, क्या वेद की रचनाएं भी कपट की बातें हैं? माता भाग छुप सकता नहीं, अब कितनी तदबीर कर मैं ना मालूम, तू रख दे चाहे कलेजा चीर कर। पापी तू कर याद रख, जिस आशा से तू बैठा है वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं जहर खाऊंगी, पहाड़ से गिर कर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ का बिना कभी ना होगी। माता ये आपका दोष नहीं है, आज होनी जरूर कोई गुट चलाएगी और हम पर
कोई मुसीबत जरूर आएगी।
रास्तों से आई है, न जाने में बुलाई है न रहने में बुलाई है। उधर जाना है नदानी, इधर रहना ठिकाई है। गया तो जगह साई है, रहा तो पहराई है। अच्छा माता, ये वज्र पहाड़ करने पर भी आपके चरणों में कुछ बड़ा बचता हूँ, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपको स्थितम की रक्षा में छोड़ता हूँ। हे पवन देव साक्षियों तुम, हे पंछी गणों गवाह तुम मेरी इस धर्म की नौका के, हे सूर्य देव गवाह तुम आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, आई जब उलाना से तुम कहते ना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, मेरा आज्ञा। आप इस रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो कुंडिया के भीतर आएगा, हर और उसे यह लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। Thank you.
मुझको भिक्षा दे, मर्तवा रहे और ना तेरा। भगवान तुझको जीता रखे, वो सदा बोल भाला तेरा। तू तो नहा नहा तू तो फल, दिन दुख ना हो भाग तेरा। तू खेत को थोड़ा भोजन दे भाई, रहे अटल सुहाग तेरा। देवी मैं इसका राजवार, तुम्हारे हमारी दुनिया से प्यारे हैं। आखिर आपका नाम, रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहां उनका मुकाम, यहाँ रात पड़ जाए वहाँ विश्राम। किस तरह दर्शन लिए? भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, तो कुछ कंदमूल हाजिर है।
आप आइए। मैं कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में उर्फोदा नेत्रों से मूर्ति पाखंड की आ रही है नक्की बढ़ना तेरे दंड की। मैं तो दंड देने वाला हूँ, दंड देने वाला नहीं। मैं भी चलती हुई ज्वाला हूँ, कोई तरन वाला नहीं। मेरे तुम ज्वाला होते भी ठंडी मत डॉक्टर है। कारण की भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन कम दिखलाती है। हाँ, अब मालूम हुआ मेरी तो तक शक्ल ही शक्ल है। दरअसल तू पहले दर्जे की बेकर है। अरे नादान, जरा बहुत तो सही, तू कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और वनवासी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? 14 वर्ष का तो केवल बहाना है, बस तो इसी चंद्रों में ताना है। एक दिन पटक 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 कर जाएगा और तुझको विधवा कर जाएगा। अगर मेरे साथ चलेगी तो रावण की पत्नी कहलाएगी, सारी लंका मेरे प्राण तले आगे बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। ओ कामी कुत्ते, क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों अपनी मौत को तलाश रहा है? उस राज्य के भ्रष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसा पति और वैश्यों का गुलाम है? तू जंगल में रहने वाली वैसी है, इसलिए तेरी अंदरवा बेटी ऐसी है। वो क्या जाने इस राजा को किस तरह राम करना चाहिए और उसे किस तरह राम करना चाहिए। साजू का कि मेरा आप एक जंगली वैशी और बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा अकलवा, तमें किताबें वैसी से इंसान बनाऊंगा। मैं तुझे स्वर्ग नगरी की महारानी बनाऊंगा, जिसके सामने इंद्रपुरी की अमरावती भी बात है। वहां तो 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात है। रात तुम देरी वो कैसे रह पाएगी? या तो जाते चंद्रमुखी अपना प्रकाश दिखाएगी। जानकी चंद्रमुखी नहीं चिंगारी है, जिसके जाते ही तेरी लंका जल जाएगी। चंद्रमा कैसे बरसाएगा? कौन है तो मेरी लंका जलाएगा? वही सूर्यवंशी जिसकी किरण को तू हर ले जाएगा। रावण को पहुंच के क्या किसकी मजाल है? सीता हरे नहीं, ये रावण का काल है। अपने भाई से अमरू मर नहीं सकता, ब्रह्मा देव भाव से जाते हैं देवगण जम रोज भी मुझ पर भाव से फिर मुझे हर किसका मानव और भाव से। ठहर जा पापी, तेरे अहंकार नाशक आया ही चाहते हैं। मैं मूर्ख है जो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। मैं पाप आत्मा है जो प्रायश्चित पर हाथ उठाते हैं। ओ पंचमान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। दूर हो जा पाप आत्मा। अब बताओ तेरा रक्षक कौन है? मेरा घर। वह कौन है जो तुझे पाए भाग न सके? मेरी आंखें। और अपने सहायक को जो तुझे मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ाए। पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, जो ना सिर्फ मेरे जुल्म को देखता है बल्कि मेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है, जो ना सिर्फ मुझे तेरे नपाक हाथों से बचाएगा बल्कि तुझ जैसे पापी का मटिया में करके इस संसार से तेरा नाम और निशान भी हटाएगा। परमेश्वर तेरी दोहाई है, एक तरफ
Okay.
मतलब है? राम और लक्ष्मण का पिता मेरा धर्म का भाई है। कुछ खबर मिल जाए। ये तो गजब हो गया। यहाँ तो महात्मा जी का घायल पड़े हैं। देवता, हम तो अपनी किस्मत में रोते हैं, मगर आप किस जालिम के हत्थे चढ़े हैं? वही जालिम रावण बेईमान सीता को उठाए लिए जा रहा था, संयोग से मैं सामने आ गया। मुझे देख सीता जी ने शोर मचाया, मैंने उसे हरचंद समझाया, पर बजाय समझने के मुझे मारने को आया, और अंत में उसका पार चल गया। मुझे अफसोस है कि इस वन में हमारे शुभचिंतक का ये हाल है। महात्मा, आप धैर्य करें, मैं उस जालिम से जरूर बदला लूंगा। बेटा, मुझे ना बदले की अभिलाषा है, ना जीने की आशा। मेरे लिए आंसू न बहाओ और जितनी जल्दी हो सके सीता को उस दुष्ट से रिहाई दिलाओ। अब मेरा तो ईश्वर के चरणों में ही ध्यान है। रामचंद्र महाराज की पदम सुख हनुमान की। एक बार फिर रामचरितमानस मंत्र के साथ ठीक 10 बजे इसी मंच पर उपस्थित रहेंगे। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
माता की जय, सीता माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बाबा बिटा वाले की जय, बाबा बिटा वाले की जय, सियार बाबा की जय, सियार बाबा की जय, भीमदेव की जय, भीमदेव की जय, बाबा जीते की जय, बाबा जीते की जय, बाबा धनसर की जय, बाबा धनसर की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, हर हर महादेव। Jumbo.